पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचना और कबीर साहब अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। अब ये दास बताएगा उस निर्णायक ज्ञान को कि जैसे तामर ध्वज के पुत्र, मोर ध्वज के पुत्र तामर ध्वज को भगवान ने, श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया, उसके पैरेलल एक कथा आती है जो पहले हमने सुनाई थी, फिर समय आने पर सुनाएंगे, अब केवल एक संकेत देंगे। एक सेवू और सम्मन, सम्मन और नेकी दो पति पत्नी थे, उनका एक पुत्र सेवू था। परमात्मा कबीर जी उनके घर गए और ऐसी स्थिति थी उनका, ऐसी व्यवस्था बन गई के सम्मन ने अपने बेटे की गर्दन काट दी, सेवू की, और परमात्मा ने उस सेवू के गर्दन को पुनर्जोड़ दिया और पंगत में बैठा दिया, अपने पास बैठा लिया, और उसके निशान भी नहीं था कि उसकी गर्दन कटी थी या नहीं। अब जैसे प्रधानमंत्री के अंदर वो गुण भी होते हैं, वो शक्ति भी है जो एक मंत्री में होती है, विभाग एक प्रांत के मंत्री में, और वो मुख्यमंत्री की भी शक्ति होती है और स्वयं प्रधानमंत्री की शक्ति तो अथाह होती है। तो ऐसे कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के अंदर वो भी शक्ति है जो इस लेवल के काम भी वो बहुत आसानी से कर सकता है, और अपने लेवल के तो कहना है क्या। जैसे एक शेख तकी नाम का था, मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का, उसकी लड़की मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसको कब्र में दबा दिया गया। कई दिनों से वो लड़की कब्र में दबी हुई थी। शेख तकी ने ईर्षावर्ष परमात्मा को, कबीर परमात्मा को जो है डिग्रेड करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये शर्त रख दी कि मैं तो इसको तब भगवान मानूंगा, ये मेरी लड़की को जो कब्र में दबी हुई है जीवित कर दे। परमात्मा ने हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में, साथ में सिकंदर लोधी की उपस्थिति में, उस लड़की को कब्र से निकलवा करके जीवित कर दिया था। तो उस परमेश्वर में वो भी गुण है जो श्री कृष्ण जी में था, और उस परमात्मा में वो भी गुण है जो श्री कृष्ण जी में नहीं था। वो अपने सगे भांजे को जीवित नहीं कर सके, अभिमन्यु को, जो चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था। शुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था जो श्री कृष्ण जी के रिलेटिव थे। अब धर्मदास जी ने ये ज्ञान सुना तो कलेजे में धक देसी हुई।
फिर भी ये कत्यो अधूरा ज्ञान जो हमारे अंदर लोक वेद सेट है, जमा है, ये उस ओरिजिनल पेंट को सेट नहीं होने देता। लेकिन परमात्मा के पास जबरदस्त रेगमार है, वो इसको कति खुर्च के और ऐसा रंग चढ़ा देगा कि कदे तारा नहीं उतरे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्म कहे सुन जिंद तुम हम पाए दीदार, गरीबदास नहीं कसर कुछ उधरे मोक्ष द्वार। एक तरफ तो धर्मदास कह रहा है कि इसमें तो कोई शंका नहीं कि मेरे भाग उदय हो गए, आप जैसे महापुरुष तत्व ज्ञानी मुझे मिल गए, लेकिन वो पुराना ज्ञान फिर अंगड़ाई लेता है। क्या कहता है, तिर देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। ओ तेरा गज भाई, इतना कुछ सुनकर फिर वो जो पुराना ज्ञान है वो आगे फिर अड़के खड़ा हो जाता है। सुन जिंदा तेरे देवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम, सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ कृष्ण विष्णु नाथ मुरारी, शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं, तावालीन बहे नरबानी, मगन रूप साहेब सैलानी, तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। जब धर्मदास ने फिर भी बकवाद ना छोड़ी, इतना प्रमाण सुनकर भी, इतना ऐसा ज्ञान सुनकर भी अपनी वही घिसे पटे ज्ञान ने आगे अड़ाए रखा, परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए उनके, उसके सामने से एकदम अदृश्य हो गई। अब फिर धर्मदास रोने लगा, अको हो ये भगवान, आप तो सचमुच भगवान थे, परमात्मा थे, मैंने दूसरी बार फिर गलती कर दी, मैं कितना अभागा हूँ, सर्व प्रमाण मेरे सामने हैं और पता नहीं मेरी इस मंदबुद्धि में के खरपतवार उत्पन्न हुआ और फिर भगवान चंगरा दिया। हे परमात्मा अब क्या होगी। पुणात्मा परमात्मा के संग जब हम विराजमान होते हैं, सत्संग यानी संत के पास आते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, परम संत के पास आते हैं और वहाँ पर एक दिन दो दिन चार दिन रुकते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं आता, इतना सुख प्राप्त हो जाता है। और जब हम सत्संग से चलते हैं तो वो सारे के सारी चिंताएं आगे दिखाई देती हैं, जाते ही वही मच्छर से लड़ने शुरू हो जाते हैं घर में जाते ही, और यहाँ बैठे हैं कोई चिंता नहीं, परमात्मा की अमर वाणी सुन रहे हैं, उसके ज्ञान से गद गद हो रही आत्मा ओतप्रोत हो रही है। एक तो आपको यहाँ जो आनंद है, एक यहाँ से बाहर निकलते बस में धक्कम धक्का, किसी जीप में बैठ गए नो नोले नो क्यों बैठा, धुमा छोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई बूंडा बोल रहा, कोई कुछ है, कोई खुले पीछे पर लड़ाई कर रहा है, फिर आगे जाके घर में देख कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, पड़ोसी कुछ लड़ाई करने तैयार हो रहा है, पता नहीं कितने हमारे शर्म दर्द पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा जब तक धर्मदास से वार्ता कर रहे थे वो गदगद हो रहा था, लेकिन वो अपनी कमजोरी को फिर भी नहीं रोक सका। तो जब परमात्मा उनके सामने से अंतर्ध्यान हो गए, अपनी जो पूर्व पूजा थी वह सारी बकती व्यर्थ नजर आने लगी और जो भगवान के पास बैठकर आनंद था वो नहीं रहा। परमात्मा कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होवे। परमात्मा कहते हैं, कबीर जी अपनी महिमा पर बताते हैं कि जो सुख संत के साथ रहने में, उसके पास सत्संग आदि सुनने में, विचार सुनने में है, वो स्वर्ग में भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में भी ऐसा ही है, वह सबसे ज़्यादा बकवादे हैं, वहाँ ऊंच सत्र की
नाचने गाने वही राग द्वेष अपड़ के देखो स्त्री देवता और इंद्रादि स्वर्ग के राजा की ब्रह्मा विष्णु महेश की। पहले तो हम इन्हीं कथाओं ने बढ़िया माना करते, अब पता चला ये तो जनसाधारण जैसी ही लीलाएं थी। जैसे एक समय एक राक्षस नहीं मर रहा था, एक जलंधर नाम का राक्षस नहीं मर रहा था, क्योंकि देवताओं से युद्ध कर रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी पतिव्रता थी और उसका तुलसी नाम था। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा कि वो राक्षस नहीं मर रहा है, तो किसी ने बता दिया कि उसकी पत्नी पतिव्रता है और उसका पति धर्म खंड हो तो वो मरे। विष्णु जी से कहा गया, विष्णु जी ने उस राक्षस का रूप बनाया और उसकी पत्नी के साथ विलास किया, तब वो राक्षस मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी को जब पता चला कि मेरे पति की मृत्यु क्यों हुई, तब उसने पता चला कि ये तो विष्णु जी ने तेरे साथ छल किया है। उसने उसको श्राप दे दिया। अब कहने का भाव है कि ये चरित्र इन सुप्रीम देवताओं के हैं, तो वहां स्वर्ग में हम करांगे कि ये आग वहां लग रही है, अपने पुण्य से वहां कोई देव पद प्राप्त हो जाता है, पुण्य अक्षीण होने के बाद वहां से निकाल दिया जाता है, फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाने ही पड़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है संत के संग में वो बैकुंठ में ना होए। तो ऐसे परमात्मा के साथ वार्ता करने में जो उसकी धर्मदास जी की आत्मा को आनंद आ रहा था, जो परमात्मा नहीं रहे तो जैसे जून के महीने में और बंद कमरे में एसी चल रहा हो और लाइट चली जा, एक घंटे के बाद पसीनम पसीना, ओह ऐसी स्थिति प्रभु के जाने से अंतर ध्यान होने से उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी की हो गई। अब वो सोचता है कि यह तो बहुत गलती बनी, देख मैं कैसा दुष्ट हूं, सब प्रमाण मेरे समक्ष थे और जो पूजा मैं कर रहा था ये सारी बेकार है, व्यर्थ है, और अब ये भगवान मिले नहीं क्योंकि मैंने दूसरी बार इनके साथ बदतमीजी कर दी। अब सभी विचार करके उस सभी पूजाओं को, तीर्थों के भ्रमण को, वृंदावन बरसाने में जाने को त्याग कर अपने सब गांव सब नगर बांधोगढ़ की तरफ चल पड़ा। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया ना तीर्थ नाने को, पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया ना तीर्थ नाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को, ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। इतनी कह कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होया जी, इतनी कह कह साहिब कबीर अंतर ध्यान होया जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी, अपनी गलती जान धर्मदास फूट फूट कह रोया जी, भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। अमरवाणी आपको सुनाते हैं, तामालीन भये निर्बानी मग्न रूप साहेब सैलानी,
तावारो वत धर्म निनागर, कहां गए मेरे सूखे सागर। तहां रोवत है वो धर्मनी नागर धर्मदास सेठ, और कहता कहां गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। ने बोला भगवान मैं इतना दुखी हूं, मेरे साथ तो वो बन गई है कि जैसे कोई निर्धन किसान मुश्किल से खेती परिपक्व करे और उसको कोई लूट ले जा ठा ले जा दो झटके। थे अब उस गरीब किसान को पूरा वर्ष कैसे व्यतीत होगा उसको खूब पता होता है। तेरे बालक भूखे मरेंगे, कोई मांगा दे न उधारा दे। तो कहते आज मेरे साथ ऐसा धोखा हो गया जैसे निर्धन किसान की कोई खेती न लूट ले जा। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लूट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। ऐसे विचार कर करके मन में फूट फूट कर रो रहा है, और कभी आकाश में देखता है कि भगवान कहीं ऊपर तो नहीं है, कहीं मेरे पीछे तो नहीं छुपे हैं, कहीं सामने दूर तो नहीं चले गए हैं, कभी इधर को कभी इधर को। फिर क्या अपनी नालायकी क्या बताता है। हम जाने तुम देह सरूपा, हमरी बुद्धि अंध गरकूपा। हमने तो भगवान आपको अपने जैसे शरीर वाला मान के आपके साथ वाद विवाद किया। हम तो मन स्वरूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। पियाना माने प्रस्थान। हमने तो आपको मनुष्य जैसा जाना, और हे भगवान हे सतगुरु हे सच्चे ज्ञानदाता, नो तो बता दो आप गए कहां, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का किया पियाना। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीव हूं नहीं अवगत राया। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं नहीं जाना लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको का मिलो गुसाई। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। परमात्मा धनदास जी कह रहे हैं या तो भगवान शीघ्र मुझे दर्शन दे देना, नहीं आपका दास जीवित नहीं रहेगा, अब मैं आत्महत्या करूंगा। क्योंकि जो ज्ञान जो भक्ति में कर रहा था वो सारी व्यर्थ है, और आपको मैंने रुष्ट कर दिया। अब मेरे सामने कोई भी रोशनी की किरण नजर नहीं आ रही कि आप मुझे मिल सकते हो। अब धर्मदास जी अपने निर्धारित तीर्थ भ्रमण के कार्यक्रम के अनुसार तीन चार महीने के लिए भ्रमण पर निकला था, और वो 15 हफ्ते 10 दिन के दिन वापस ही आ गया। आमनी देवी जो भक्त धर्मदास जी की धर्म पत्नी थी, वो भी बहुत पुण्य आत्मा थी, लेकिन 100 बहनों में कोई 10% ऐसी होती है जो कुर्बान अधिक होती है मनुष्य से दान धर्म में। तो आमनी देवी अच्छी आत्मा थी, भगवान को चाहने वाली थी, लेकिन फिर भी अपने स्वभाववश धर्मदास जी को दान धर्म करते समय कभी टोका टाकी कर देती थी। धर्मदास जी इतने कुर्बान थे, कितने साधु संत आ जाते, सबको भोजन कराते, फिर उनको 100-100 रुपये दान दे देते। उसमें 100-100 रुपये तो आज के 50,000 के करीब हैं। तो आमनी देवी उनको कई बार कह देती थी कि आप देख अपना जो है ना देख कर दान किया करो, हिसाब से दान किया करो। तो उससे एकाधी बार घर में कहा सुनी होकर के कई दिन मन मुटाव भी बन जाता था। अब धर्मदास जी वापस आए
अब जैसे किसी के जबरदस्त चोट लग जा हृदय में, कोई सा निजी व्यक्ति मर जा, बेटा मर जा, बेटी मर जा, कोई और चोट, वो तो दुख हो जा, तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर घना रोया करे, फूट फूट कर रो कर छक ले, जब अंदर ही अंदर जैसे काठ गुण न खाती है ऐसे करता है। तो धर्मदास जी 4-5 दिन में घर पहुंचा, रो रो कर तो छक लिया, अंदर ही अंदर एक ऐसी पीड़ा उसके बनी हुई थी, बोल नहीं सका। जाके अपने महल के घर के अंदर और जमीन पर पड़ के ऐसे मुंह के बल लोट के बहुत बुरी तरह रोने लगा, फूट फूट कर रोए। आमनी देवी उसी के पास जमीन पर बैठ के पूछने लगी, क्या हो गया स्वामी आपको, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो, क्या दुर्घटना हो गई। वो नहीं बोल पा रहा, रो ही रहा बुरी तरह। पुणात्माओं, जिसकी जिस वस्तु के लिए हम घूम रहे हैं और उसकी हमें चाह है और वो हाथ से छूट जाए और उसी के लिए हम डले ढो रहे थे, उसी के साथ वाद विवाद करके ठोकर मार दी और समुंदर में लाल फेंक दिया, उसने क्यों कर ढूंढाई, क्यों कर कैसे पावे। संसार रूपी सागर में भगवान फिर छुप गए और जिसके लिए सब कुछ कर रहे थे वो सामने बैठा और फिर अज्ञानता के कारण उसको ना पहचान कर ठोकर मार दी। अब वो मिलेगा कैसे। इस सभी विचारों को करके अपने जीवन को व्यर्थ जान कर वो बहुत बुरी तरह रो रहा है। आमनी देवी ने कहा कि हे भक्तजन, हे भक्त जी, क्या बात होगी, क्यों रो रहे हो, मुझे बता तो दो ताकि मैं भी आपके दुख में दुखी हो सकूं। आमनी के भी आंखों में आंसू आ गए। आमनी जी ने सोचा कि मैं इसका किसी ने पैसा धन निकाल लिया, किसी लुटेरे चोर ने, क्योंकि भगत जी ने तो 5-6 महीने में वापस आना था, ये आ गया हफ्ते 10 दिन में। धन के अभाव से, क्योंकि इसका धन चोरी हो गया है, उसके अभाव से ये वापस अपने कार्यक्रम को सत्कित करके आ गया है। वो स्वयं सोच रही है अपनी सोच से कि ये इसलिए रो रहा है कि मैं कंजूस हूँ और इसको अब ये धन मांग, ये सोच रहा है कि मैं अब धन मांगूंगा या फिर कड़ा करेगी। और ये धार्मिक आदमी गणा है, बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति है, इसने यही दुख हो रहा है लगता। तो कहती है कि हे भगत जी, मेरे से पहले जो गलती हुई वो माफ़ करना, आपके घर में कोई धन की कमी नहीं, आप कितना ही धन ले जाओ कोई बात नहीं, किसी ने कम्मे ने तेरा धन चोरी कर भी लिया हैं, और चोर तो चोरी ही करा करते हैं, आपके भगवान ने बहुत दे रखा है, आप फिर ले जाओ। वो सोच रही है कि मुझे दोष लगेगा, भक्ति से बुरी तरह रो रहा है और मेरे इस कंजूस स्वभाव से आज मैं जो है पाप की भागनी बनूंगी। अब धर्मदास नहीं बोल पा रहा है, फिर बुरी तरह रो रहा है। आमनी देवी कहती है कि भगत जी, मैं अपने इकलौते पुत्र नारायण दास की कसम खाकर कहती हूं, मैं तुझे कभी नहीं मना करूंगी, आप इस तरह मत रो। अब धर्मदास फिर भी रो ही रहा है, क्योंकि जो अंतःकरण में जो उसको दुख ठेस पहुंच रही है उसको आवाज नहीं निकलने दे रही। आमनी ने फिर दूसरी बार फिर कहा कि भगत जी, मैं आप सत्कर मानो, आप कितना ही पैसा ले जाना मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, और कोई बात नहीं, किसी दुष्ट ने तेरा पैसा चुरा भी लिया तो। वो दूसरी बार फिर नारायण दास की कसम खाने के लिए मुंह खोला तो धर्मदास ने उसका मुंह दबा लिया, कहा कि नहीं, आप गलत समझ रही हो। रोते रोते कह रहा है कि मेरा वो धन चला गया, इस धन को मैं नहीं रोता, यदि मेरा ये धन संसारिक धन नष्ट हो जाता, चुरा कोई लेता, तो तेरे से हाथ पैर जोड़ कर मैं फिर मांग लेता, लेकिन आज जो धन मेरा गया है वो मुझे नहीं मिलेगा और मैं जी नहीं सकता।
तब आमनी देवी ने पूछा, ऐसा कौन सा धन आपका चोरी हो गया? तब धर्मदास जी ने सबकते हुए और रुंधे हुए कंठ से उस परम पिता की वो सभी वार्ता सुनाई जो उनके साथ हुई थी। आमनी देवी भी बहुत ही प्रभु को चाहने वाली थी, पुण्य आत्मा थी, वो बहुत अच्छे दिमाग से काम लिया उसने और कहा कि हे भगतजन, आप तो बाणिये थे, आप तो वैश्य थे और बाणिया होकर आपने ऐसा सौदा चूक गए जिन ब्रह्मा विष्णु जी की, विष्णु शिव जी की इनकी पूजा हम करते थे, ये भी तो किसी से ज्ञान सुना था, और जो आज इनकी स्थिति अपने सदग्रंथों में उस संत ने, भगवान ने बता दी, आप भी कह रहे हो कि गीता जी में जो उन्होंने बताया वही लिखा है, मुझे ज्ञान नहीं था, ना रूपदास जी को मेरे गुरुदेव को ज्ञान है, किसी संत को भी गीता के बारे में ज्ञान नहीं है जो संत ने बताया था, तो फिर आपने चरण क्यों ना पकड़े, छोड़ क्यों दिए, आप लिपट क्यों ना गए उस महापुरुष के चरणों के, उस भगवान के चरणों से? तो कहता है कि अपने जीवन में पहली बार मैंने जो धोखा खाया है आमनी, उसी को रो रहा हूं, अपने दुर्भाग्य को, अपनी मंद बुद्धि को। ऐसे पूरी कहानी सुनाई जो सृष्टि रचना कबीर परमेश्वर ने धर्मदास को सुनाई थी, वो फिर सुनाई, आमनी देवी भी उस तत्व ज्ञान से परिचित हो गई। लेकिन धर्मदास जी प्रतिदिन एकाध ग्रास कोई रोटी खा लेते हैं, एकाध रोटी रोते हुए, और वही जो वार्ता परमात्मा से हुई थी वह सभी अपने आप रिवाइज करता है, बोलता है, अकेला बैठकर भी वही वाणी बोलता रहता है। और घर से बाहर अपने द्वार पर बैठ जाता है, कोई दूर तक दृष्टि गाड़े रहता, जैसे पागल देखता है, जैसे भीलड़ी देखा करती श्री राम के आने की इंतजार किया करती थी, ऐसे ही वो इंतजार कर रहा कि हो सकता है मेरे दुख न देख कर भगवान फिर कभी आ जाए। द्वार पर बैठ करके ऐसे दृष्टि देखता रहता है, कभी इधर देखता है दूर से, उसको ऐसा, क्योंकि उसका इमेजन, उसकी जो आंखों की और मन की सोच मिलकर के किसी भी व्यक्ति को ऐसा ही रूप दिखने लग जाता जो दूर से यात्री आ रहा होता है। धर्मदास जी उसी तरफ दौड़ लेता है पागलों की तरह, जाकर निकट से देखता है वो व्यक्ति कोई और होता है, फिर रोता हुआ वापस आ करके अपने घर में बढ़कर फिर फूट फूट कर रोता। ऐसे 6 महीने बीत गए और धर्मदास का शरीर सूख कर कांटा बन गया, केवल अस्थि पिंजर शेष था। परमात्मा कहते राम वियोगी ना जीवे और जीवत बावला हो। बावले का मतलब है कि वो वही क्रियाएं करता है जो भगवान के मार्ग में सफल होने की होती हैं, संसार उन्हें बावला कहता है, उसको पागल कहता है। तो वो या तो जी नहीं सकता और जीवेगा तो दुनिया के दृष्टि में वो पागल ही कहलाता है, वही परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा के उस सतलोक को देख करके वापस आए, परमात्मा ने वापस छोड़ा तो ये अमृतवाणी बताने लगे, रामकृष्ण जी की सतीथी से परिचित कराने लगे जनसाधारण को, और कबीर जी को परमात्मा बताने लगे। तो उस परमेश्वर के, परमेश्वर प्राप्त पुण्यात्मा को वहाँ के अज्ञान लोगों ने, अनजान लोगों ने बावड़िया कहना शुरू कर दिया, ये तो पागल है, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कबीर को बताता है धानक को, ओ तेरा गजब भैया। कहते हैं गरीबदास जी को भी बावड़ा बताया के कर ले इस दुनिया श्याणी का, ये तो इतने स्याणे बन रहे इस गलत ज्ञान को मैं अपने आप को इंटेलिजेंट बनाए बैठे हैं, और इन इन इस इन श्याणा का के कर ले इन चतुरों का, चतुरों का, कि वो भगवान प्राप्त प्राणी को भी मूर्ख बताने लाएंगे।
जब 6 महीने तक वो कति बुरी तरह रो रो के और 100-100 बार कान पकड़ता है भगवान, आगे मैं कभी विवाद नहीं करूँगा, प्रेम पूर्वक आपसे अपने प्रश्नों का शंका का समाधान चाहूँगा, मैं कभी आपसे कोई ऐसे शब्द नहीं कहूँगा प्रभु जिसे आप मेरे से रुष्ट हो जाएं। हम तो अज्ञानी हैं, आप तो जानी जान हैं, परवरदिगार हो, दीन दयाल हो, एक बार दर्शन दे दो मेरे दाता, फिर नहीं आपके साथ विवाद करूँगा। आप नहीं मिलोगे तो ये जीव आपका दास जी नहीं सकेगा। आपके ज्ञान से स्पष्ट हो गया कि ये जीवन है क्या? आज मैं अरबपति हूँ चाहे खरबपति हूँ, कल मृत्यु हो जाएगी, ज्ञान मेरा ठीक नहीं, भक्ति मेरी सही नहीं, मैं तो गधा बनूंगा। हे परमात्मा, इस अनमोल जीवन की वैल्यू का मुझे अभी ज्ञान हुआ। जब इस तरह वो तड़फ तड़फ कर बिल्कुल उसके अंदर की सारी वो फड़क निकल गई, वह करड़ापन निकल गया, तब परमात्मा ने आमनी देवी में चेतना प्रदान की। आमनी देवी ने एक दिन पूछा कि हे भगत जी, आपकी ये दशा होगी है, आप कुछ दिन के ही मेहमान हैं, आप अधिक जीवित नहीं रह सकते, मुझे एक बात बताओ कि परमात्मा ने उस संत ने जो भी तेरे से वार्ता की थी उसमें कोई संकेत किया हो, कुछ बात कही हो कि वो कैसे मिल सकते हैं आपको, आप वही विधि अपनाइए। तब उसको याद आया कि परमात्मा ने वार्ता के दौरान कही थी कि जहाँ भी कोई धर्म भंडारे होते हैं, विधिवत साधना होती है, कोई तो वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ। वो परमात्मा ने इसलिए कही थी कि इसका या मरोड़ी लग जाएगी जब ये फिर बकवाद करेगा तो, और फिर वो याद दिलानी थी। परमात्मा ने सोच सचिदर मैं करूं अपने जन के काज, तो धर्मदास जी को भी वह बात याद आ गई कि एक दिन उन्होंने ये कहा था कि जहां कोई धार्मिक भंडारे यानी धर्म यज्ञ होती है तो मैं अवश्य वहां पर पहुंचता रहता हूं, क्योंकि उन धर्म यज्ञों में धार्मिक लोग ही जाते हैं, वहां मैं जाकर के अपना ज्ञान प्रचार करता हूं, भगवान कहते हैं, और धार्मिक लोग ही मेरे ज्ञान को समझ सकते हैं। अब किसी पाड़ी दौरे बैठ कर समझाने लगूँ तो वो सुने नहीं सुने फिर लड़ पड़े, क्योंकि वो जिस ईष्ट मानता है वो आगे मान नहीं सकता। तो जो परमात्मा को चाहने वाली आत्माएं हैं उन्हीं से मैं डिस्कस करता रहता हूँ, उनमें से एकादि स्वीकार भी कर लेती है। परमात्मा कहते हैं मेले ठेले जाइए, मेले बढ़ा मिलाप और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात, कि जो परमात्मा पाने का प्रयत्न तुम कर रहे हो, कहीं संत समागम होते हैं वहां जाते रहिए, हो सकता है उन पत्थर पानी पूजता कोई संत वहां, क्योंकि भगवान उन स्थानों पर कोई रूप धारण करके जाता है, या वहां पर कोई अपने ऐसे हंस को भेज देता है किसी कामवश आसपास रास्ते में मिल जाता है, या वहीं उसका घर आसपास होता है वो उनको सद्मार्ग बता देता है और कहता है कि वहां जाइए आपने कल्याण करवाना है। तो इस प्रकार वही आत्माएं परमात्मा के लिए जो है ना तड़पती हैं, और वही सत ज्ञान को भी स्वीकार कर सकती हैं जो प्रभु की चाह में घूम रही हैं, चाहे कोई भी क्रिया कर रहे हैं वो, चाहे शास्त्र विरुद्ध भी कर रहे हैं। तब आमनी देवी ने कहा कि आप भंडाराय कर लो। धर्मदास बोला 3 दिन का करूंगा, अक तो चाहे 1 हफ्ते का कर ले, इस धन का के करूंगी, जब आप मर गए तो के काम आओगा हमारे ये धन। धर्मदास जी ने 3 दिन के भंडारा करने की, धर्म यज्ञ करने की चिट्ठियां लिखवा दी, बहुत दूर दूर तक भिजवा दी, हजारों की संख्या में साधु संत भक्त भोजन पाने के लिए आए। अब पहला दिन पूरा बीत गया, परमात्मा नहीं आए, धर्मदास जी प्रत्येक संत महात्मा की तरफ भगत की तरफ न्यू देख रहा है, पहचान रहा है, दूसरे दिन भी नहीं आए।
तीसरे दिन दोपहर तक 12 बजे तक नहीं आए। अब धर्मदास जी ने निर्णय कर लिया, मन में अपने संकल्प कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज आप नहीं आए, तेरा दास संसार में नहीं रहेगा, मैं आत्महत्या करूंगा। अब इस तरह का जीवन मुझसे जिया नहीं जा सकता। पहले वाली साधना एक आने की नहीं, एक नए पैसे की नहीं, और आपके पाने की विधि मुझे प्राप्त नहीं। फिर मैं जी करके करूंगा, मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? कति पक्की सोच ली कि एक बार ये संत साधु भगत यहाँ से चले जाएं और फांसी खा कर मरूंगा, फांसी पर लटकूंगा। कुछ देर के बाद वो फिर उन संतों के पास, भंडारा चल रहा था, वहां घूम रहा था, देख रहा था। थोड़ी सी दूरी पर क्या देखता है, जो 100 फुट की दूरी पर एक वृक्ष था, कदम का पेड़ था। उस कदम के पेड़ के नीचे वो परमात्मा उसी जिंदा वाली वेशभूषा में विराजमान थे। अब धर्मदास जी बहुत सपीड़ित वहां दौड़ के गया, भाग कर गया, ऐसे ध्यान से देखा, ओहो ये तो वही भगवान है। चरणों में गिर गया, छाती से लिपट गया, चिपट गया उनका, रोवा बुरी तरह, जैसे बालक अपने माता पिता के सीने से लिपट कर रोता है, जो घर पर छोड़ जा, मामा के चली जा, फिर आमत है। इस प्रकार बुरी तरह रो रहा है। परमात्मा बोले, धर्मदास तेरी सच्ची लगन को देख करके मैं यहां पर आया हूं, तो आप ऐसे करो कि इन भक्तों को विदा करो और इनको मेरे विषय में नहीं बताना है, आप जाओ इनको विदा करो। धर्मदास को तो वही कहते हैं, दूध का जला हुआ लस्सी को भी फूंकता है, आंखों की तरफ देख कर रो कर बहुत ही मायूस होकर कहता, भगवान अब मत जाना, मुझसे बहुत गलती बनी, मैं बहुत नीच आत्मा हूँ परमात्मा, मेरा वो गंदा ज्ञान, वो अधूरा ज्ञान मुझे टिकन नहीं देता। अब परमात्मा कोई विवाद नहीं करूंगा, आप मुझे ज्ञान बताना, आपका दास सारे ज्ञान को सुनेगा, आप जाना मत। परमात्मा बोले, नहीं जाऊंगा। वो चलने को होता है, फिर कहता, भगवान आप जाना मत। परमात्मा कहते, नहीं जाऊंगा, आप इनको विदा करो। बस एक मिनट में उनको देकर पैसे वैसे विदा कर दिया, जैसा भी वो कर रहा था। फिर परमात्मा से प्रार्थना की, आप हमारे घर चलिए, ये झोंपड़ी दास की साथ ही है, बहुत बड़ा महल था उसका। परमात्मा उसके साथ उनके महल में गए और अपनी पत्नी से कहता कि आजा आमनी, मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे 6 महीने से तड़पती तलाश थी, खोज थी। आमनी देवी ने एक पैर आम, जैसे भी घर में जो व्यवस्था थी, उस बुड्ढे पर बैठा दिए भगवान, एक चेयर पर, और स्वयं एक पैर आमनी ने पकड़ा, एक धर्मदास पकड़े हुए थे और बहुत लिपट रहे थे उनके चरणों से। आमनी देवी ने कहा, हे भगवान आप तो महापुरुष हो, आप तो जानी जान हो, आपने अपने भगत को इतना दुखी नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत नरम आत्मा का व्यक्ति है, ये परमात्मा ये तो बहुत दुखी हो गया, इसको तो मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो ये कभी का सुसाइड कर लेता। परमात्मा कहते हैं कि बेटी, ये जो कुछ भी किया ये हमने ही किया, मैंने इसको दुखी नहीं किया, इसके अंदर जो गंदा ज्ञान भरा था, इसको प्यास वो नहीं लगने देता, वो भूख नहीं लगने देता जो इसके अंदर अधूरा ज्ञान था। अब इसको उपवास करा दिया 6 महीने का, ये मेरी बात को नहीं मान रहा था, अब ये लोहा गर्म किया है मैंने, जैसे ठंडे लोहे पर कितने हथौड़े मार ले, कितने घन मार ले, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है,
वो वस्तु नहीं बनती जो कारीगर बनाना चाहता है। बेटी यो ठंडालो हो रहा था, यो अपने ज्ञान को फाइनल मान कर सेट हो रहा था, इसको अब ताव दिया है मैंने, अब यो इतना नरम हो गया, इतना गर्म हो लिया कि जो भी हथौड़ी मारूंगा ये जो बनाना चाहूंगा यो बन जाएगा। इसकी कीमत बनाने के लिए मुझे 6 महीने इसको ये ताव दिया है। तब दोनों ने उस तत्व ज्ञान को पूर्ण रूप से सुना। 1 हफ्ते तक भगवान अपने घर पर रखे, खूब प्यार दिया, सारी कथा रह रहकर सुनी। एक दिन धर्मदास जी के मन में बहुत तड़प हुई, परमात्मा वैसे तो आप जो कह रहे हो परमात्मा सारी सत्य है, परंतु ये मन पापी जो है उस पुराने रंग में रंगा हुआ है और आज तक इस ज्ञान को किसी ने नहीं सुनाया। ये परमात्मा हमने तो ना तो राम कृष्ण का स्वर्ग देख रखा, विष्णु का लोक भी नहीं देख रखा, हमने सुने सुनाए ज्ञान से ही वहां जाने का टारगेट बना रखा है। आप जो कह रहे हो मैं इसको सत्य मानता हूँ और आपके द्वारा ज्ञान से मैं संतुष्ट हूँ और भक्ति विधि से भी संतुष्ट हूँ, परंतु मेरा मन पापी कहीं मुझे डगमग ना कर दे, क्योंकि इसके आपके अतिरिक्त इसका कोई दूसरा गवाह नहीं है। आप मुझे आपका वो स्थान दिखा दो। प्रभु भी चाहते थे कि आने वाले समय में जो भक्ति युग आएगा, भक्ति काल आएगा, ये वर्तमान में जो चल रहा है अब, इसके लिए परमात्मा ने अपने साक्षी तैयार करने थे, अपने गवाह बनाने थे कि आने वाले समय में इस मेरे ज्ञान के ये गवाह आगे काम आएंगे। तो परमात्मा ने कहा अच्छा बेटा तुझे वो सतलोक दिखाता हूं। अब परमात्मा चले गए कि मैं फिर कभी आऊंगा, फिर सूक्ष्म रूप में आए, यानी केवल धर्मदास को दिखाई दे रहे थे और बोले धर्मदास चल तुझे सतलोक ले चलता हूँ, चलो महाराज दिखाओ। तो धर्मदास की आत्मा को निकाल लिया, धर्मदास का शरीर वहां अचेत पड़ा है। परमात्मा सतलोक में लेकर गए और उससे पहले यहाँ 21 ब्रह्मांड सारे दिखाए, काल का निज स्थान दिखाया जहाँ 1,00,000 प्राणियों को नित खाता है वो तपतशिला दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, स्वर्ग दिखाया, यहाँ के धर्म राज्य का वो स्थान दिखाया और जहाँ ये काल 3 रूप में रहता वो दिखा, देख ये ऐसे छल किए हुए, यहाँ ब्रह्मा को उत्पन्न करता है, इस क्षेत्र में विष्णु को उत्पन्न करता है, इस क्षेत्र में शिव को उत्पन्न करता है, इनको बेहोश किए हुए कर लेता है और फिर सचेत करता है, ये यहाँ छुपा रहता है अपनी योग माया से। उधर से धर्मदास अचेत हो गए, आसपास के कुल के लोग एकत्रित हुए, हाहाकार मच गया, ये मरेगा, ना खा रहा है ना पी रहा है ना आंखें खोल रहा है, केवल दिल धड़क रहा है, श्वास चल रहा है। 3 दिन बीत गए, 3rd दिन परमात्मा ने उस आत्मा को वापस छोड़ दिया, धर्मदास सचेत हुआ। आसपास क्या देखता है, रिश्तेदार आए बैठे हैं, पत्नी रो रही है, कुल के लोग वहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं ये क्या हुआ, क्या हो गया, ये तो मरेगा, कोई औषधि जा नहीं रही क्योंकि खिलाएं कहाँ, वो तो बिल्कुल बेहोश है, मालिश मुलिस करके उसके सारा ट्रीटमेंट करके थक लिए। अब यदि धर्मदास जी को परमात्मा ये सब लीला स्वप्न में दिखा देते तो वो स्वप्न समझता इसको, और जब उसने देखा कि सचमुच मैं तो 3 दिन यहाँ नहीं था और ये सब रिश्तेदार और कुल के लोग आसपास गांव नगर के ये सब चिंतित हैं और बता रहे हैं तो बेहोश पड़ा था, फिर उसको पक्का यकीन हो गया कि सचमुच मैं सतलोक जाकर आया हूँ और परमात्मा ने बताया था कि मैं काशी में बनारस में 1 जुलाहे की भूमिका कर रहा हूँ, रामानंद जी मेरे गुरुदेव हैं,
क्योंकि रामानंद जी उसमें वहाँ सुप्रसिद्ध संत थे, सभी जान जाते थे कि उनका नाम लेते ही सभी जान जाते थे। तो धर्मदास जी ने निश्चय कर लिया कि उस परमात्मा को मिल आऊंगा। फिर वो वहाँ से पैदल चल पड़ा, बनारस में आकर के उस परमात्मा को देखा, सचमुच ये तो वही भगवान है जो सचखंड में सतलोक में देखा था। चरणों में गिर गए, बुरी तरह रो रहा है और उनको बता रहा है वहाँ के कॉलोनी वालों को, जुलाहों को, कि ये भगवान है, ये अल्लाह है, ये खुदा, ये गॉड है, ये कबीर धान केवल जुलाहा नहीं, ये मालिक है। लेकिन कौन सुने, सबको कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। कैसी त्रिगुणमयी माया, ऐसी दुस्तर है, ऐसी खतरनाक है, इस काल ने इस अपने ब्रह्मांड रूपी कुएं में या भांग गिर रखी है, और इस पानी के, इस कुएं के जल को सबने पी रखा, सब एक जैसी भाषा, एक जैसा ही बोल व्यवहार कर रही है। तो परमात्मा बोला, भाई इन तो छोड़, तू समझ मेरी कहानी को, ये नहीं मानेंगे, इनको तो फिर मनावेंगे आने दे समय। तब धर्मदास जी ने शेष ज्ञान परमात्मा से प्राप्त किया और उस पूर्ण ज्ञान को, सर्व ज्ञान को अपने कर कमलों से लिपिबद्ध किया। बांधोगढ़ में यज्ञ आरंभा, तांसट दर्शन अधिक अचंबा, यज्ञ माही जगदीश न आए, धर्मदास ढूंढत कल पाए। अंत भेक टुकड़े के आहारी, बैठे नहीं जंद व्यापारी, तावा धर्मदास जब कल्प जब कीनी, पलक बीच बैठे परवीनी, तावा धर्मदास कल्प जब कीनम, पलक बीच बैठे परवीनम। ओहे बंदे वही जंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम, चरण लिए चिंता मणि पाई, अधिक हेत से कंठ लगाई, अजब कुलाहल बोलत बानी, तुम धर्मदास करूं परवानी, तुम आए बांधोगढ़ अस्थाना, तुम कारण हम कीन पियाना, अलल पंख जो मार्ग मोरा, तामद सुरत नृत का डोरा, ऐसा अगम ज्ञान गौरा हूँ, धर्मदास पद पद ही समाऊं, गुप्त कल्प तुम राखो मोरी, देऊं मकर तार की डोरी, पद परवान करूं धर्मदासा, गुप्त ज्ञान हृदय प्रकाशा, हम काशी में रहें हमेशम, मोमन के घर ताना परवेशम। परमात्मा ने कहा कि मैं काशी में रहता हूँ और वहाँ मोमिन के घर, मोमिन मुसलमान को कहते हैं, वहाँ उस मोमिन के घर यानी नीरू नीमा के घर में जुलाहे का काम करता हूँ, ताना परवेशम, ताना बुनता हूँ। भक्ति भाव लोकन को देही, जो कोई हमरी सीख बुद्ध लेही, मैं उन भक्तों को भक्ति भाव समझाता हूँ, जो मेरी शिक्षा ले लेता है उसको पार करता हूँ। अमर अजर करूँ अनभय प्रकाशा, खोल कपाट दिए धर्मदासा, पद भी हंगम निज मूल लखाया, सर्वलोक एक दर्शाया। सकल सृष्टि में देख्या जिंदा, जामन मरण कटे जमफंदा। अब क्या होता है, सब ज्ञान से परिचित होकर के, सृष्टि रचना से भी परिचित होकर के धर्मदास जी ने एक दिन प्रश्न किया, हे परमात्मा, हम तो इतने नीच हैं,
हम इतने तुच्छ हैं, इतनी भयंकर गलती करके आए हैं परमेश्वर, आपको त्याग कर इस काल के साथ हम हट करके आए थे और हमने अपने पैर पे आपका भाड़ा मार रखा भगवान, अब पूर्ण समझ में आ गया। ये प्रभु आपने फिर भी कैसे हम दुष्टों पर तुच्छ जीवों पर कैसे दया करी, हे परमात्मा आप बहुत दयालु हो। हे प्रभु कृपा आपके यहाँ आगमन की कुछ सती थी मुझे बताइए। तो परमात्मा कबीर जी, क्योंकि हमने भगवान की जो परिभाषा है वो कति उलट सुन रखी है और एक दो तीन वर्ष तो हम बेशक सुनते रहे इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। पुण्यात्माओं आपको उपदेश मिल चुका है, आप इस पथ के पंथी हो चुके हो, आप हमारे बच्चे हो चुके हो, क्योंकि जो माता पिता से शरीर में बच्चे उत्पन्न होते हैं वो रज बीरज के होते हैं, उसको बिंद के कहते हैं, और जो शब्द से हमारे बच्चे बनते हैं, जो शब्द हमारे वचन से जुड़ते हैं, नाम से जुड़ते हैं, उनको बिंद के, उनको नाद के बच्चे कहते हैं। नाद माने वचन यानी नाम से जो जुड़ते हैं वो बच्चे होते हैं। आप हमारे बच्चे हो और नाद के बच्चे हो, वचन के बच्चे हो। तो जो बच्चा पहले एक दो वर्ष का होता है वो माता पिता से पूछता है, कोई वस्तु मिल जाती है वो पूछता है ये क्या है पिताजी, पिताजी कहता भाई यो मार्कर है, ऐ यो मार्कर है, ऐ फिर कहता ये मार्कर है, ऐ वो ऐ करता करता और कोई और ही काम लग जाता है, बच्चा खेलने लग जाता है और वो स्वीकार नहीं करता कि पिताजी क्या कह रही, और वो ये भी नहीं सोच रहा, ये भी नहीं मानता कि पिताजी झूठ बोल रहे हैं, उसका विरोध भी नहीं कर रहा है और उसको ऐ ही करता रहता है। कहने का भाव ये है कि आप दो तीन साल तक, तो दो तीन वर्ष के तक इस मार्ग पर चलोगे तो आप इस ज्ञान को अस्वीकार भी नहीं कर सकते कि गुरुजी गलत बता रहे हैं, लेकिन आपकी वह ऐ को नहीं मिटता है, आप कुछ ना कुछ ना सोचे जाओगे, वो मतलब ग्रहण नहीं कर पाते इसको अच्छी तरह। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है संकेत से समझाता बेटा वो ला उठा के, वो अक्सर में कहता मारकर, हाँ हाँ ला उठा के। तो ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जो पुराने बच्चे सयाने हो गए हैं वो तुरंत समझ जाते हैं और उनको परमात्मा की सच्ची थी पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है। ऐसे ही धर्मदास उस समय बालक थे, इसलिए उसकी ऐ समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए परमात्मा अपने को फिर भी छुपा करके कहते थे भाई मैं तो उसका दास हूं, उस भगवान का भेजा हुआ, जबकि आंखों देख आया था वो कि नहीं भगवान यही है। परमात्मा को मालूम था कि मैंने ज्यादा बार ये कह दिया कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं भगवान हूं, तो ये नहीं मान पाएगा, इसलिए अपने को छुपा कर कहता है कि धर्मदास एक बार परमात्मा ने, अब बड़ा फिर होने, फिर तो समझने लग जाता है धर्मदास बाद में कि ये तो लीला खुद ही कर रहे हैं। तो कहता है कि धर्मदास जब ये सभी प्राणी काल के जाल में फंस गए और यहाँ ले आया, ये यहाँ पर आ गए, फिर ये बुरी तरह इनका इनकी दुर्गति करने लगा, तपतशिला पर भूनने लगा, कोई गधा बनाया, कोई कुत्ता बनाया, कोई सुअर सूरी बना दी। अब ये जब दुखी होता है प्राणी, जब भगवान को रोता है, कुत्ते भी आपने देखे होंगे रात को मुंह करके ऊपर, अब आत्मा तो रोती है बोल नहीं सकती, ऐसे ही हम मनुष्य भी रोते हैं, भगवान को ढूंढते हैं कहाँ मिला जो हमें सर्व सुख दे, और भगवानों की पूजा भी करते रहते हैं दुख नो के नो। तब परमात्मा कहता है कि धर्मदास जब इन जीवों की दुर्गति हुई, ये हाहाकार मचाने लगे, तब उस परम पिता को दया आई, क्योंकि ये सभी उसी के बच्चे हैं, इस काल के नहीं हैं,
इसके ये काल के होते तो ऐसे दुख देता, किसी का बेटा मरा, किसी की बेटी मरा, किसी की टांग कटा, किसी को कैंसर बन रही है, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, क्या अपने बच्चों को कोई इतना दुखी कर सकता है? नहीं। तो क्या ये भगवान है हमारा या हमारा मालिक है? नहीं। तो उस अपने उस पिता ने दया आई इन पर, उस परम पिता ने मुझे भेजा और मैं वहां पर आया जहां पर तपस्या के ऊपर इन प्राणियों को भूना जा रहा था। मेरे वहां उपस्थित होने से उस तपस्या की जो आंच थी, हीट थी, वो निष्क्रिय होगी, लेकिन वो जल ज्यों की तो रही थी। जब उन जीवों की वो आंच, वो गर्मी से जो प्रताड़ना थी वो समाप्त हुई, तो वो ऐसे बैठे जैसे किसी के सिर में दर्द हो जा, किसी से बोलने को दिल नहीं करता और तो वो सिर का दर्द ठीक हो जाता, खूब अच्छी तरह बातें करने को दिल करता है। ऐसे ही उन तपस्या पर जल रहे प्राणियों को उस समय बुरा हाल था। जब वो तपस्या की जलन समाप्त होगी प्रभु की शक्ति तय, तो सभी बैठ गए यूँ देख रहे हैं, और सामने वो चांद सा चेहरा बैठ खड़ा था, वो परमात्मा खड़े थे। उन्होंने सोचे यू है भगवान। कहने लगे हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो एक पढ़ाई पढ़ा रखी है कि अपने कर्म का फल है, पाप है या पुण्य है। तो वहाँ उस तपस्या पर वो ऋषि भी, मैं ऋषि भी, देवता भी, ब्राह्मण भी, श्राद्ध निकालनीय भी और निकलवाणीय भी, और मंत्र जाप करने और करवाने वाले सभी तप जल रहे थे। जो गुरु बने हुए थे और गीता और वेदों को पढ़ा करते थे, कंठस्थ याद थे, त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, वो भी वहीं पर फूके जा रहे थे। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे जो कर्म का दंड है वो बताता हूं, ये बिना कर्म का दंड है। तुमने सतलोक में गलती की थी, पूरी सृष्टि रचना सुनाई। अब वहां तो सारी समझ में आवे थी उनके, क्योंकि फांसी लग रही थी। अब यहां तो हम अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं, समय पर टूक मिल रहे हैं, एक आधी कार को मोटरसाइकिल होगी, ईब हमने कोई परवाह को ना, और एक सेकंड का भरोसा नहीं, अड़के बिजली गिर जा। तो वहां जब हम दुखी हो जाते हैं तब तो हमसे कुछ भी कह और करवा ले, हम सारी मान लेते हैं। यदि हम इसको बिल्कुल निर्णायक, एक न्यूट्रल माइंड से सोच कर और इस ज्ञान को स्वीकार कर ले, सारे झंझट मिट जाए। तो वहां पर वो सभी पूरी सृष्टि रचना सुनाई और परमात्मा ने कहा कि ये द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यानी तीनों वेदों को जो कंठस्थ याद करते थे उनको त्रिवेदी कहते थे, जो चारों वेदों को कंठस्थ गोटा करते थे और महिमा बनाए बैठे थे महर्षि मंडलेश्वर कहलाते थे, उनको चतुर्वेदी कहते थे। कहा कि ये त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, ये सब ऋषि गुरु महंत सारे यहां पर जल रहे हैं, तो तुम्हारी साधना के काम आई तुम्हारे। तो वहां तो सारी समझ में आवत ही न, बोले हाँ जी ठीक कह रहे हो भगवान, ये परमात्मा वो गुरु लोग और वो जो देव गीता और वेदों के पुजारी पढ़ने वाले कहते हैं, हमें तो किसी ने ये ज्ञान बताया नहीं, हमें तो यहीं तक सीमित किया हुआ था। फिर वो सारे ज्ञान से परिचित होकर के कहते हैं ये भगवान हमें छुटवा लो इस काल के जालते हैं। परमात्मा ने कहा कि नहीं, मेरे इस काल के जाल से मैं तब छुड़वा सकता हूँ जब तुम मृत लोक में मनुष्य जीवन पाओ और मेरे इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर के इस सत्य नाम का जाप करो, सार नाम प्राप्त करो।